हिंदी जगत में मशहूर एपिक सीरियल महाभारत से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मशहूर अदाकारा वर्षा उसगांवकर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही लोग आज उनको भूल गए हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदायगी के आज भी लोग कायल हैं। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत, अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। अपनी दमदार आगाज के बावजूद गुमनामी में चली जाने वाली इस मशहूर अदाकारा ने बहुत ही कम समय में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी। आज भले ही वो स्क्रीन पर बहुत कम दिखती हो, लेकिन उनका अभिनय आज भी बेमिसाल है। महाभारत सीरियल में उनके कास्ट होने का भी किस्सा कम फिल्मी नहीं है। आगे जानेंगे क्या था वो दिलचस्प किस्सा, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके सफर से। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1965 को गोवा के एक संभ्रांत कोंकणी परिवार में हुआ था। इनके पिता अच्युत के एस उसगांवकर गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी। वर्षा ने स्नातक की पढ़ाई गोवा विश्वविद्यालय से की है। इनका रुझान एक्टिंग की तरफ शुरू से ही था और इन्होंने कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। हालांकि इनकी एक्टिंग की शुरुआत मराठी इंडस्ट्री से हुई थी। वर्षा ने अपना डेब्यू साल 1984 में फेमस मराठी नाटक ब्रह्मचारी से किया था। ये नाटक इतना जबरदस्त हिट हुआ कि वर्षा को मराठी इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे थे। इसके बाद उनको मराठी सिनेमा के कई सारे ऑफर आए और वो धीरे धीरे मराठी सिनेमा में सक्रिय होती चली गयी। साल 1987 में उनकी पहली मराठी फिल्म गम्मत जम्मत रिलीज हुई और उनकी मराठी सिनेमा में पहचान बनने लगी। साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म सगली कड़े बोम्बा बूम में इनकी एक्टिंग सबको इतनी पसंद आई कि वो मराठी सिनेमा की जानी मानी कलाकार बन गई। इसके बाद वर्षा की एंट्री हिंदी इंडस्ट्री में हुई। इन्होंने हिंदी मनोरंजन जगत में शुरुआत साल 1988 में बीआर चोपड़ा के मशहूर एपिक सीरियल महाभारत से किया। ये सीरियल इतना जबरदस्त पॉपुलर हुआ कि इससे जुड़े सारे कलाकार को लोग घर घर पहचानने लगे थे। इस एपिक सीरियल में उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का किरदार निभाया था। जब वर्षा को टीवी सीरियल महाभारत के लिए चुना गया तो उनकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी। तुम्हारे वाक्य भी तुम्हारे बाणों की ही भांति अचूक है। तुम्हें युद्ध कला के कितने व्यू आते हैं। इस सीरियल के बाद वो हिंदी भाषी क्षेत्र में भी जानी जाने लगी। हालांकि वर्षा इससे पहले मराठी नाटक और फिल्मों में जाना पहचाना नाम थी, लेकिन उनको असली शोहरत और पहचान उत्तरा के किरदार से मिली और इस किरदार ने उनको घर घर फेमस कर दिया। उनको एपिक सीरियल महाभारत में ब्रेक मिलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। आगे बताएंगे आखिर कैसे वो उत्तरा के किरदार के लिए निर्देशक की पसंद बनी और उनको पहला ब्रेक मिला। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्षा की हिंदी सिनेमा में एंट्री की। वर्षा ने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू साल 1990 में फिल्म दूध का कर्ज से किया। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी, गुलशन ग्रोवर जैसे उम्दा कलाकार थे। फिल्म में वर्षा का निभाया कजरी का किरदार काफी पसंद किया गया। इसके बाद उनको टीवी सीरियल और फिल्मों के ऑफर मिलते रहे और वो सिनेमा के साथ टीवी पर भी सक्रिय रही। इसी दौरान वर्षा को दूरदर्शन के लिए बनी टीवी सीरीज झांसी की रानी में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस सीरीज में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। मशहूर निर्माता निर्देशक रवि चोपड़ा ने अपने निर्देशन में राम गोविंद की लिखी हुई कहानी और पटकथा को दूरदर्शन के लिए बनाया था। 13 भागों में बनी इस टीवी सीरीज में वर्षा उसगांवकर, उफी पेंटल और गिरिजा शंकर जैसे उम्दा कलाकार नजर आए थे। डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनी इस टीवी सीरीज को हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया था। वर्षा ने हिंदी और मराठी सिनेमा के अलावा टीवी सीरियल में भी काम करने से कभी परहेज नहीं किया और हर जगह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जिसे कभी देखा ना हो उसे पहचानोगी खाक? हम कौन सा आपसे 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं पहचानते हैं कि आप राधा। अगर फिल्मों की बात करें तो वर्षा 90 के दौर में कई हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस रही। साल 1990 में फिल्म दूध का कर्ज के बाद साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म साथी में वर्षा ने फीमेल लीड का रोल किया।
फिल्म साथी में वर्षा के साथ आदित्य पंचोली और मोहसिन खान भी थे। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म हनीमून में वर्षा को वेटरन एक्टर ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका मन मोह लिया। इसके बाद वर्षा ने 1993 में मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म तिरंगा में काम किया। इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में उनका निभाया शांति का किरदार काफी फेमस हुआ था और काफी पसंद भी किया गया। फिल्म में वर्षा ने नाना पाटेकर की प्रेमिका का रोल निभाया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। साल 1993 में ही इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म इंसानियत के देवता में भी काम किया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजकुमार, रजनीकांत, विनोद खन्ना, जया प्रदा, मनीषा कोइराला और शक्ति कपूर जैसे दिग्गज और उम्दा कलाकार थे। इस फिल्म में उन्होंने हुस्न बानो का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। इसके बाद वर्षा ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। वर्षा को ज्यादातर फिल्मों में सहायक कलाकार की ही भूमिका मिली। लीड एक्ट्रेस की भूमिका उनको बहुत कम ही फिल्मों में ऑफर हुई, जिससे एक समय के बाद वो हिंदी सिनेमा से दूर होती चली गई। अगर इनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात करें तो इसमें दूध का कर्ज, साथी, हनीमून, इंसानियत की देवता, खलनायिका, तिरंगा, पथरीला रास्ता, चेहरा, स्टाइल, हत्या, मंगल पांडे और सुपर नानी शामिल है। हालांकि अपने कैरियर में कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहने और बड़े सितारों के संग काम करने के बावजूद वर्षा सिनेमा जगत में वो स्थान नहीं बना पाई जिसकी वो हकदार थी। हिंदी के अलावा वर्षा ने मराठी इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। इनके प्रमुख मराठी फिल्मों की बात करें तो इसमें गम्मत जम्मत, सगली कड़े, बोम्बा बोम, अफलातून, हमाल दे धमाल, शुभ मंगल सावधान, लपंडा और सावत मांझी लड़की शामिल है। इसके अलावा वर्षा ने बंगाली, कोंकणी और राजस्थानी भाषा की फिल्मों और सीरियल में भी काम किया। सिनेमा जगत से ज्यादा वर्षा टीवी जगत में सक्रिय रही। साल 1988 में महाभारत और 1990 में झांसी की रानी के बाद वर्षा ने साल 1994 में आई कालजयी टीवी सीरियल चंद्रकांता में रानी रूपमती का किरदार निभाया। उनके इस किरदार को काफी पसंद किया गया। इस किरदार के दर्शक आज भी फैन हैं। मैं इस शगुन का तार तार दोष डालूंगी। क्या समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? आग लगा दो। छोटे पर्दे की बात करें तो वर्षा ने साल 2000 में जी टीवी पर प्रसारित आइकॉनिक सीरियल विष्णु पुराण में भी दमदार रोल निभाया। इस सीरियल में वर्षा ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का किरदार निभाया था। इस शो को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस पौराणिक सीरियल को बीआर चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस सीरियल की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सफलता को देखकर बाद में इसे दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज? परंतु परंतु क्या? वर्षा ने एक हेल्थ टॉक शो भी होस्ट किया जिसका नाम था क्या करूँ मैं अब, जो काफी पसंद किया गया। इस शो में हेल्थ रिलेटेड इश्यू पर डिस्कशन किया जाता था। वर्षा की हिंदी टीवी सीरियल की बात की जाए तो इसमें महाभारत, झांसी की रानी, आहट, मुकदमा, घर जमाई, विष्णु पुराण और जमाई राजा प्रमुख हैं। वर्षा ने हिंदी के अलावा मराठी, कोंकणी और राजस्थानी भाषा की भी कई टीवी सीरियल में काम किया है। वर्षा उसगावकर अपने करियर में काफी वर्सेटाइल रही। उनकी वर्सेटाइलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खाली एक्टिंग ही नहीं बल्कि गायन भी किया। वर्षा ने कोंकणी म्यूजिक एल्बम रूप तुझम लयिता पिक्सेम में उल्हास बुयायो के साथ गाना भी गाया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। वर्षा की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 2000 में उनकी शादी संगीतकार अजय शर्मा से हुई। अजय मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रवि के बेटे हैं। अब बात करते हैं वर्षा से जुड़े प्रमुख विवादों की। वर्षा का नाम एक फोटोशूट की वजह से खासा विवाद में रहा। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मराठी अभिनेत्रियां केवल साड़ी और सलवार कमीज ही पहनती थीं। ऐसे में वर्षा ने एक मीडिया मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया। उनका ये हॉट और बोल्ड अवतार उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनके इस फोटोशूट की काफी आलोचना हुई।
इस फोटोशूट की वजह से उनका नाम काफी विवाद में रहा। हम तेरी आँखों में ऐसे खो जाएंगे। उनसे जुड़ा अगला विवाद उनके ससुर की प्रॉपर्टी को लेकर है। साल 2012 में उनके ससुर मशहूर संगीतकार रवि की मौत के बाद वर्षा की ननद ने उन पर संपत्ति हड़पने और अवैध कब्जे का आरोप लगाया। लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि वर्षा के ससुर ने वर्षा और उनके पति अजय को अपनी वसीयत का हिस्सा नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दी थी और वसीयत में लिखा था कि बेटे बहू ने उन्हें कभी कोई मदद नहीं की, ना ही कभी उनकी देखभाल की, इसलिए उनके निधन के बाद बेटे बहू को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाए। मैंने देखा कि कोई मेरी बिरजू को मुझसे छीन कर दूर लेकर जा रहा है। धीरे धीरे वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मशहूर एपिक सीरियल महाभारत में ब्रेक मिलने का वो रोचक और दिलचस्प किस्सा। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन वर्षा के घर कुछ मेहमान आए थे जो शूटिंग देखने की जिद कर रहे थे। वर्षा उनको शूटिंग दिखाने के लिए महाभारत सीरियल के सेट पर ले गई, जहां अभिमन्यु के सीन की शूटिंग चल रही थी। निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के रोल के लिए किसी अभिनेत्री की तलाश में थे। पिताश्री से सीखने का अवसर ही नहीं मिला। तुमने ठीक से हट नहीं की होगी। आपको बता दें कि महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गोफी पेंटर सीरियल के प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे और उन्होंने ही मेहमानों के साथ आई वर्षा को पहली बार देखा। गोफी मराठी इंडस्ट्री में अपनी सक्रियता के कारण वर्षा का अभिनय देख चुके थे और जानते थे। गोफी ने शूटिंग सेट पर ही वर्षा को सबके सामने उत्तरा का रोल निभाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे वर्षा ने भी बिना एक पल गवाए ही स्वीकार कर लिया था। नन देखो आज लियो हरी रूप मोहनिया। वर्षा एक अच्छी डांसर भी थी और उत्तरा के रोल के लिए एक ऐसी अभिनेत्री की जरूरत थी जो बढ़िया डांस कर सके। महाभारत सीरियल से महान डांसर और शानदार एक्टर गोपी कृष्ण भी जुड़े थे, जिनसे वर्षा को क्लासिकल डांस सीखने का भी मौका मिला। दर्शकों ने इनको उत्तरा के किरदार में काफी पसंद किया। इस सीरियल के बाद वर्षा हिंदी बेल्ट में भी जाना पहचाना नाम बन गई। इसके बाद उनको हिंदी फिल्मों के भी ऑफर आने शुरू हो गए और उन्होंने इसी सीरियल के बाद हिंदी सिनेमा जगत में अपना सफर साल 1990 में आई फिल्म दूध का कर्ज से शुरू किया। अपने चुलबुले और मादक अदाओं से मदमस्त करने वाली ये फेमस अदाकारा वर्षा उसगांवकर ने अपने करियर में काफी वर्सेटाइल रोल किए। उन्होंने हिंदी ही नहीं, मराठी, कोंकणी, बंगाली और राजस्थानी भाषा में भी काम किया। यहाँ तक कि इन्होंने गाना गाने से भी गुरेज नहीं किया। लेकिन इतने वर्सेटाइल रोल और टैलेंटेड होने के बावजूद वर्षा को वो शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उनको ज्यादातर फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के ही रोल मिले। वर्षा के निभाए किरदार आज भी याद किए जाते हैं। इनका 1987 से चला फिल्मी सफर आज भी बदस्तूर जारी है। एपिसोड के अंत में हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वर्षा उसगांवकर अपने वर्सेटाइल किरदार से ऐसे ही दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वर्षा उसगांवकर से जुड़े आपके पास भी कोई किस्सा कहानी हो तो हमें जरूर बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।